हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 24 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 15 फरवरी 2022। वीक 5 चल रहा है और वर्कशीट की थीम है फैमिली। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट से हमें क्या नया सीखने और जानने को मिलता है। सबसे पहले हमारी एक मज़ेदार गतिविधि है हमेशा की तरह, जिसे हम चित्र पहेली कहते हैं। इसमें दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो हम जल्दी से देख लेते हैं, हमें कोई 4 मिस्टेक ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे, ठीक है। तो चारों मिस्टेक्स पे मैं गोला करती जाऊंगी। तो फर्स्ट मिस्टेक की यहाँ पर सिर्फ एक पेपर है, लेकिन यहाँ पर 2 पेपर हैं, तो ऐसे हम सर्कल कर देते हैं। सेकंड मिस्टेक क्या दिख रही है यहाँ पर, देखिए हमें थोड़ा जूम करके भी देखना होगा। देखिए अगर देखें तो यहाँ कोई भी पेंट नहीं गिरा हुआ, बट इन द सेकेंड पिक्चर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पेंट गिरा हुआ है। तो ये हम इस तरीके से सर्कल करते जाएंगे। यहाँ कोई पानी की बूंद नहीं है या किसी भी टाइप की बूंद यहाँ से नहीं गिर रही है, लेकिन देखो यहाँ पर है। तो ये हमारे 3 मिस्टेक हो गई। अब हम लास्ट 4th मिस्टेक देखते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर सिर्फ एक नोट है, देखिए एक चीज़ चिपकी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 हैं, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मिस्टेक हो गई, 4th मिस्टेक हो गई। तो आप ऐसे सर्कल कर लेंगे। बाकी और भी मिस्टेक अगर आपको मिलती हैं तो आप उन्हें भी सर्कल कर सकते हैं, बट ओनली 4 ढूंढने के लिए बोला है, तो हम ओनली 4 पर ही सर्कल कर रहे हैं। फिर चलो बाज़ार, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें देखो आज रजत के घर मेहमान आने वाले हैं। रजत अपनी माता जी के साथ बाज़ार गया और उन्होंने ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खरीदी। माताजी ने खरीदी गई सभी वस्तुओं का हिसाब लगाने के लिए एक तालिका बनाई। रजत ने इस तालिका को कुछ अलग तरीके से बनाने की सोची। आप भी यह तालिका पूरा करने में रजत की मदद कीजिए, तो हम ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है उसकी मम्मी के द्वारा। उसमें उन्होंने क्या दर्शाया है कि उन्होंने आलू खरीदे हैं 65 रुपीज़ के, पनीर 175 के, दूध 95 का, मटर 35, दाल 150 रुपये, आटा 300 रुपये का, इसी तरीके से रबड़ी 200 रुपये, चावल 185, मतलब ऐसे सब जितने भी रेट पर उन्होंने खरीदी हैं चीज़ें, वो यहाँ पर इस तालिका में दर्शाई गई हैं। ये जो लिस्ट है उसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। पहले वस्तु इस साइड में, फिर उनकी कीमत, फिर दोबारा यहाँ वस्तु, फिर उनकी कीमत, ठीक है। तो इस लिस्ट को आपने देख लिया। अब इसके आधार पर हमें नीचे बनी हुई तालिका को पूरा करना है, जो मैंने आपके लिए पहले से ही पूरी कर रखी है। उस तालिका को देख लेते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी, देखो 80 से 90% स्टूडेंट्स सिर्फ हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत गलत है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहें। तो अब हम जल्दी से ये तालिका देखते हैं। इस तालिका में सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ दुकान है, जैसे राज जनरल स्टोर, दाल आटा चावल, ठीक है। राज जनरल स्टोर से उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, दाल आटा और चावल खरीदे। वस्तुओं की कीमत यहाँ दे रखी है, देखो दाल की कीमत कितनी थी यहाँ ऊपर आप तालिका में देखो, तो दाल की कीमत 150 रुपये थी, ठीक है। फिर आटे की कीमत थी हमारी, यहाँ ऊपर देखते हैं हम लोग, आटे की कीमत है 300 रुपये, 300। फिर चावल की कीमत कितनी थी, तो देखो चावल की कीमत 185, तो 185 हमने जोड़ लिया। अब इन देखो दाल आटा चावल इन तीनों की कीमत हमने इधर लिख दी 150, 300 और 185। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। जब आप इन तीनों की कीमतों को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 635, ठीक है। क्या आएगा, 635। अब दुकानदार को दिए गए रुपए, यहाँ इन लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है कि 1000 रुपये जो हैं रजत की मम्मी ने दुकानदार को दे दिए, ठीक है। अब उनके सामान का कुल प्राइस था 635 और उन्होंने ज़्यादा रुपए दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, तो दुकानदार ऐसे थोड़े ना पूरे 1000 रुपये रख लेगा, जब कीमत उनकी सामानों की 635 है और उन्होंने दिए 1000 रुपये। क्यों दिए, क्योंकि उनके पास 635 नहीं होंगे, खुले नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने 1000 दिए। अब दुकानदार उनको वापस करेगा। अब कितने रुपए वापस करेगा, ये जानने के लिए हम हमेशा जितने रुपए दिए जाते हैं उनमें से कुल वैल्यू जितनी होती है सामान की, उसे घटाते हैं। तो 1000 में से जब आप 635 घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि दुकानदार उन्हें कितने रुपए वापस करने वाला है। तो 1000 में से हम यहाँ पर घटाने वाले हैं 635। तो घटाइए, देखिए यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ 5 बचा, फिर यहाँ पर 9, ठीक है,
फिर यहाँ पर 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 9 में से फिर 3 घटाने हैं तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 बचा तो यहाँ 3 आएगा। तो इस तरीके से जब हमने घटाया 1000 में से 635 तो हमारा आंसर आ गया 365, यानी दुकानदार उनको 365 रुपीज़ वापस करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरी तालिका को आपको भरना है। ऐसे ही देखो सुनील डेरी में से उन्होंने पनीर, दूध और दही खरीदे। तो अब हम ऊपर लिस्ट देखें तो पनीर, दूध और दही की कीमत कितनी है ये हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, पनीर, दूध और दही, ठीक है, इनकी कीमत यहाँ पर लिखी है। पनीर की 175 तो हम यहाँ 175 लिखेंगे, दूध की 95 तो उधर 95 लिखा जाएगा, 90 है दही की तो उधर 90 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की कीमतों को जोड़ देंगे तो 360 हमारा उत्तर आ जाएगा। दुकानदार को उन्होंने 500 रुपये दिए, 500 में से 360 आप घटाएंगे तो आंसर हमारा 140 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपके लिए पूरी टेबल भर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इसको डिटो कॉपी कर लेंगे, आपको नहीं करना, आपको इसे खुद से करना है। अब मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करोगे, तो अब आप क्या कीजिए, बस इस वीडियो को पॉज कीजिए या फिर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपनी कॉपी में वर्कशीट से ये पूरी टेबल खुद भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखकर भरेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप बिना देखे भरेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। फिर ऋतु सब्जी भंडार से उन्होंने आलू, मटर और कद्दू खरीदे हैं, तो आलू की कीमत है 65 रुपीज़। ठीक है, मटर की कीमत देखो, मटर की कीमत है 35 रुपीज़। उसके बाद कद्दू की कीमत है 45 रुपीज़। अब इन सभी को हमें जोड़ लेना है, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे जो कि हमारा आंसर आएगा 145 रुपीज़। उन्होंने दुकानदार को 500 रुपये दिए, 500 में से 145 को घटाएंगे, यानी दुकानदार उन्हें 355 रुपीज़ वापस करने वाला है। इसी तरीके से मिष्ठान भंडार से उन्होंने रबड़ी, गुलाब जामुन और जलेबी खरीदी हैं। रबड़ी देखिए, रबड़ी की कीमत है 200 रुपये तो इधर आप लोग 200 रुपये लिखेंगे, गुलाब जामुन की कीमत है 290 रुपये तो इधर आप 290 लिखेंगे, और जलेबी की कीमत है यहाँ हमारी 70 रुपये तो इधर आप 70 लिखेंगे। तो कीमत लिखने के बाद इन तीनों कीमतों को जोड़ देना है जिसका उत्तर आएगा 560 रुपये। अब देखिए, उन्होंने 1000 रुपये दिए हैं दुकानदार को, तो 1000 में से 560 को आप घटा देंगे तो आंसर हमारा 440 आ जाएगा, यानी दुकानदार उन्हें 440 रुपये वापस करेगा। तो इस तरीके से पूरी टेबल हम इस तरीके से भर देंगे। अब है कुल खर्च किए गए रुपए। कुल खर्च किए गए रुपए निकालने के लिए हम इन सबको जोड़ देंगे, वस्तुओं की कीमत को जोड़ने पर हमें मिलेगा 17000 रुपए, 1700 रुपए। ठीक है, तो इतने रुपए उन्होंने खर्च किए वस्तुओं को खरीदने में। ठीक है, और देखिए, अगर आप स्पेस क्विज खेलना चाहते हैं तो स्पेस क्विज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज है तो ज़रूर खेलिएगा और इसमें पार्टिसिपेट लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, फ्री पार्टिसिपेशन है तो ज़रूर देखिएगा और खेलिएगा इस क्विज को। और इसमें देखिए, ये हमने पूरी टेबल कंप्लीट कर ली। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टेबल के आधार पर, जिसमें से प्रश्न एक है, बाजार जाते समय रजत और माताजी कुल 3000 रुपये लेकर गए थे, आप हिसाब लगाकर बताइए कि अब उनके पास कितने रुपये बचे होंगे। तो 3000 रुपये वो लेकर गए थे, अब 3000 में से हम 1700 घटा देते हैं क्योंकि कीमत उनके सारी वस्तुओं की 1700 थी और लेकर वो 3000 गए थे, तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 1300 उत्तर मिलेगा। तो उनके पास 1300 रुपये बचे होंगे, और साइड में आप लिख सकते हैं 3000 माइनस 1700। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए किस दुकान में खर्च किए एवं कितने। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा, देखिए 635 सबसे बड़ी संख्या है, बाकी सब देखो इतना सारा उन्होंने सामान, वस्तुओं की कीमत है इतने सारी। ठीक है, अब देखो, राज जनरल स्टोर पर उन्होंने 635 रुपए खर्च किए, सुनील डेयरी पे 360, ऋतु सब्जी मंडी पे 145, मिष्ठान भंडार पे 560 रुपए उन्होंने खर्च किए। तो सबसे ज़्यादा रुपए उन्होंने 635 यानी राज जनरल स्टोर पर खर्च किए हैं, तो आप आंसर लिख सकते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपीज़ 635 राज जनरल स्टोर पर खर्च किए। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।